हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज लोधी। हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज है 27 दिसंबर और आज हम एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट रिजेक्ट सेपरेट टाइम जोन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। देखिए, पिछले कुछ समय से जो हमारी कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनके द्वारा डिमांड की जा रही है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनके लिए एक सेपरेट टाइम जोन डिसाइड किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने इन सारी बातों को रिजेक्ट कर दिया है। तो हम ये पूरा का पूरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे टाइम जोन क्या होता है, क्यों ऐसी डिमांड चल रही है, और प्रो और कॉन्स भी देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका क्या कहना है, क्यों वो सेपरेट टाइम जोन चाहते हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट क्यों किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम जोन की। प्राइम मेरिडियन से किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन तक जो एंगुलर डिस्टेंस होती है उसी को लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। और जो प्राइम मेरिडियन है, आपको ध्यान रखना है, यूके के ये ग्रीनविच मीन टाइम से होते हुए पास होती है। जो अर्थ है इसको ऑलमोस्ट 360 लॉन्गिट्यूडनल जो लाइंस हैं, वर्टिकल जो लाइंस हैं उनमें डिवाइड किया गया है, इन्हीं को लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। और आपको ध्यान रखना है टोटल 360 लाइंस हैं, तो हर एक जो आपके वर्टिकल लाइंस रहती है इसमें 15 डिग्री का फर्क होता है और ऑलमोस्ट 4 मिनट का फर्क होता है। इस तरह से ये जो टोटल 360 लाइन है इससे हमें 24 आर का पता चलता है किस तरह से वहां पे वैरायटी है। तो ध्यान रखिएगा, जो अर्थ है उसको 360 वर्टिकल लाइंस में डिवाइड किया गया है और किसी भी एक सिंगल जो वर्टिकल लाइंस होती है लॉन्गिट्यूड की, यदि हम इसमें शिफ्ट होते हैं तो 15 डिग्री का फर्क पड़ जाता है या फिर आपके 4 मिनट का फर्क पड़ता है। आगे बात करते हैं हम कि ऐसा सब क्यों है। तो बात करते हैं कि हमारी कंट्री में अलग अलग टाइम जोन की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जो इंडिया का पूरा एरिया है ये 68.7 डिग्री से 97.25 डिग्री के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंडिया आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेके आपका 97.25 97 डिग्री 25 मिनट तक ये पूरा जो टाइम है ये फैला हुआ है। और हमारी कंट्री में जो जो टाइम अलॉट करने वाली लाइन है वो आपके अलाहाबाद के नैनी से पास होती है 82.5 डिग्री। इसका मतलब हमारी कंट्री का जो टाइम है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि 15 डिग्री पे आपका 4 मिनट का फर्क पड़ता है, तो यदि आप 82.5 डिग्री के लिए फाइंड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 5.5 घंटे आएगा। तो इस तरह से हमारी कंट्री का जो टाइम पीरियड है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। और मैंने बताया कि हमारी कंट्री में जो इंडिया है इसके जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैले हुए हैं। और इंडिया की जो टाइम है वो अलाहाबाद के नैनी से माना जाता है। अब बात करते हैं कि इससे क्या क्या फर्क पड़ा है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो एक सेपरेट टाइम जोन की डिमांड कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजिक रीजन का हवाला देते हुए इस बात को रिजेक्ट कर दिया है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए सेपरेट टाइम जोन नहीं बनाया जा सकता। जब से हमारी कंट्री डिवाइड हुई है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वो तभी से ये डिमांड कर रहे हैं कि वहां पे सेपरेट टाइम जोन होना चाहिए, लेकिन इस तरह का अभी भी कोई जो प्रपोजल है उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। इस साल अक्टूबर में सीएसआईआर, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और नेशनल मेजरमेंट इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी जाहिर की है कि भविष्य में कोई प्रपोजल दिया जाएगा और उसको ऐसे चांसेस हैं कि अप्रूव कर लिया जाए, लेकिन अभी भी बातें काफी हवा में है। ठीक है, तो ये जो दोनों बॉडी हैं इन्होंने जो टाइम जोन है इसको दो टाइम जोन में डिवाइड किया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फर्स्ट और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेकंड। जैसा मैंने आपको बताया, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री को माना जाता है, मतलब इंडिया का जो टाइम है ग्रीनविच मीन टाइम से वो 5.5 घंटे ज्यादा है। अब जो प्रपोजल दिया गया है इन बॉडी के द्वारा, तो इसमें बात की गई है कि इंडिया में दो टाइम जोन रखे जाएंगे, एक को बोला जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फर्स्ट और दूसरा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेकंड। ठीक है, अब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फर्स्ट है ये आपके आईएसटी वुड बी सेम एस करंट आईएसटी। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो फर्स्ट है वो अभी हमारी कंट्री में जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसी के जैसा होगा 5.5 पे। ठीक है, इसके अलावा जो आईएसटी सेकंड है इसमें बात की गई है कि जो यूटीसी होगा, मतलब कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम होगा, इसको 6.5 घंटे पे माना जाएगा और जो आपकी ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्री के जो भाग हैं उनमें केवल 1 घंटे का फर्क रहेगा। फिर से बोलता हूँ,
हमारी कंट्री में जो दो टाइम जोन का प्रपोजल दिया गया है उसमें एक आईएसटी फर्स्ट है और एक आईएसटी सेकंड है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फर्स्ट है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सेकंड है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फर्स्ट है उसको जो इंडिया का एक्चुअल में करंटली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 5.5 घंटे का जो आगे है तो इसी को माना गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फर्स्ट। इसके अलावा जो सेकंड टाइम का प्रपोजल दिया गया है, ठीक है, जो सेकंड टाइम जोन बनाने की बात की गई है आईएसटी सेकंड, तो इसमें बात की गई है कि 6.5 घंटे मतलब 1 घंटे के डिफरेंस से जो नेक्स्ट टाइम जोन होगा वो 1 घंटे के फर्क से होगा। और इसमें यह भी बात की गई है कि एक बॉर्डर लाइन डिसाइड की जाएगी जो कि आपके 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड से होते हुए पास होगी, जहां पे एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए सेपरेट टाइम जोन होगा, मतलब ईस्टर्न रीजन के लिए सेपरेट टाइम जोन होगा और वेस्टर्न एरिया के लिए सेपरेट टाइम जोन होगा। अब बात करते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो लोग हैं वो एक सेपरेट टाइम जोन की डिमांड क्यों कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला तो उनका तर्क ये है कि जैसा मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पे पहले उजाला हो जाता है, तो सबसे पहले तो इन लोगों का यही कहना है कि इससे हमारी जो डेलाइट के जो आर्स हैं उनका लॉस होता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी का जो यूजेस है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा जो दूसरा रीजन दिया गया है टाइम जोन की डिमांड करते हुए, इसे कहा गया है कि इससे हमारी जो बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है उस पर भी ज्यादा फर्क पड़ता है। लोगों को अलग अलग टाइप से प्रॉब्लम होती है, उनकी बायोलॉजिकल जो हैबिट्स हैं खाने की, सोने की, रहन सहन की, घूमने फिरने की, तो उन पूरी चीजों पर फर्क पड़ता है ये टाइम जोन अलग होने से। ये तर्क दिए गए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो लोग डिमांड कर रहे हैं सेपरेट टाइम जोन के लिए। हालांकि गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो हम गवर्नमेंट के भी रीजन जान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रेटजिक बताते हुए इसको मना कर दिया है। गवर्नमेंट का इसमें बोलना है कि जो इंडिया है उसमें बहुत ज्यादा ह्यूज नंबर पे पॉपुलेशन है और इस तरह से यदि दो अलग अलग टाइम जोन बना दिए जाएंगे तो इससे देश में एक अराजकता की स्थिति हो जाएगी। ऐसे लोग जो एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जब स्विच करेंगे तो उनको बार बार अपनी जो क्लॉक्स हैं उनको रीसेट करना होगा, ठीक है, तो इससे एक कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा इसमें बात की गई है कि हमारी जो इंडियन रेलवे है सभी जगह पे जो रेलवे सिग्नल्स हैं वो अभी पूरी तरह से ऑटोमेटेड नहीं है, तो ऐसे में और कई सारी जगह पे सिंगल ट्रैक्स भी हैं, तो यदि दो सेपरेट टाइम जोन होंगे हमारी कंट्री में तो इससे कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी और ह्यूमन एरर के कारण कोई बड़ा एक्सीडेंट या हादसा हो सकता है। इसके अलावा इसमें दूसरी बात यह की गई है कि हमारी कंट्री में ऑलरेडी डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, और इसके बाद एक बार फिर से पार्टीशन करना सही नहीं रहेगा। गवर्नमेंट का इसमें बोलना है कि इससे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस होंगे, अनचाहे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस होंगे। इससे जो एनर्जी सेविंग की बात की जा रही है तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है यदि हमारी कंट्री में दो टाइम जोन बना दिए जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि जो टाइम जोन में फर्क है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और आपके वेस्टर्न स्टेट के लिए, तो मॉर्निंग और इवनिंग में 1-1 घंटे का फर्क है। तो कई सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज रहते हैं, जो ऑफिसेस रहते हैं, कॉर्पोरेट्स रहते हैं, बैंक हो गया, ऑफिस हो गया, इंडस्ट्री हो गया, तो इनके बीच में आपस में इंटरकनेक्टेडनेस बनी रहती है और कॉन्स्टेंटली अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए इस टाइप का यदि टाइम वेरिएशन होता है तो वो इनके लिए अच्छा है, और यदि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये डेट्रीमेंटल डिसीजन होगा इन जो इंस्टीट्यूशन है इनकी प्रोडक्टिविटी के लिए। और गवर्नमेंट इसमें आगे बात करती है कि देखिए, जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में वो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं और अच्छे प्रॉस्पेरस हैं, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो आपको पता है कम डेवलप्ड हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, तो ऐसे में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो वहाँ के जो लोग हैं खुद को इंडिया से कटा हुआ मानते हैं, और इस तरह से यदि उनके लिए एक सेपरेट टाइम जोन भी अलॉट कर दिया जाता है तो उनमें सेपरेटिस्ट टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो इन सारे रीजन गिनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, और अल्टीमेटली जो टाइम जोन की डिमांड थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए सेपरेट टाइम जोन की उसको कैंसिल कर दिया है। तो इस तरह से गवर्नमेंट का बोलना है कि सेपरेट टाइम जोन से कंट्री पे कोई स्पेशल फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे जो एनर्जी के बेनिफिट्स हैं वो भी कोई खास नहीं रहेंगे। तो आखिरी में राइटर कहते हैं कि इंडिया अपनी जो ऑफसेट टाइम जोन है, मतलब 5.5 घंटे का जो वेस्ट का टाइम है और 1 घंटा नॉर्थ ईस्टर्न के लिए आगे चलता है, तो इसी को और फॉलो करेगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा आर्टिकल था जो कि हमने डिस्कस किया, ठीक है। दोस्तों, आज बहुत ज्यादा लेट हो गए,
और दोस्तों आज का डिस्कशन फिलहाल में बस इतना ही है। अभी मैं काफी लेट ये सब प्रिपेयर करने बैठा, स्लाइड वगैरह कंटिन्यू करने बैठा, बट अल्टीमेटली रात के 2 बज गए हैं और मैं जो बाकी के डिस्कशन है, बाकी के जो टॉपिक्स हैं हम कल डिस्कस करेंगे सब मिला के, ठीक है, या फिर कोशिश करूंगा कि 2 सेपरेट वीडियो कर लें, क्योंकि आज भी कई सारे टॉपिक थे, बट दोस्तों टाइम हम कल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन और फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।